नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। पड़ाव थाना क्षेत्र के साकेत नगर निवासी राजीव शिवहरे व्यवसायी है और उनका नमकीन का कारोबार करते हैं। इसके साथ ही वहाँ नवनिर्मित मल्टी को खरीदते बेचते हैं। वर्ष 2016 में उनकी मुलाकात दिनेश परमार से हुई थी। बातचीत के बाद पता चला कि दिनेश मल्टी बनाने और बेचने का काम करता है। इस पर उनके बीच गहरी मित्रता भी हो गई और दिनेश ने बताया कि वहाँ गढ़े वाली सड़क पर एक मल्टी बना रहा है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इसका पता चलते ही राजीव उसकी मल्टी देखने गया तो उसे लोकेशन पसंद आ गई और उसने मल्टी का प्रथम तल खरीदने की बात की तो दिनेश तैयार हो गया और उसने वर्ष 2016 में उससे अनुबंध कर 20,50,000 नगद तथा 29,50,000 रुपए का चेक दिया, जिसके बाद से वह 7 साल तक रजिस्ट्री के लिए आजकल की कहते हुए टालता रहा, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की बल्कि उस मल्टी के हिस्से को चोरी छुपे किसी और को बेच दिया। जब इस बात का पता खरीदार राजीव को पता चला तो उसने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत थाने में की। पुलिस ने उसकी शिकायत पर आरोपी प्रॉपर्टी कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हमारे क्षेत्र के रहने वाले आवेदक राजीव शिवरे, इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था कल कि वर्ष 2016 में इनके द्वारा दिनेश परमार से एक एग्रीमेंट किया गया था। दिनेश परमार की एक प्रॉपर्टी थी गेंडे वाली सड़क पर, उसमें से फर्स्ट फ्लोर का इन्होंने एग्रीमेंट किया था 50 लाख रुपए में, जिसमें कि करीब 20 लाख रुपये नकद दिया था, 30 लाख के चेक दिए थे। किंतु दिनेश परमार द्वारा उक्त तो फ्लोर को किसी अन्य को विक्रय कर दिया। अभी ये रजिस्ट्री की कहते रहे, रजिस्ट्री नहीं कराई, अब उसने विक्रय भी कर दिया, ऐसा इनका कहना था। दिनेश परमार बुलाने पर भी नहीं आया है, तो इस संबंध में प्रथम दृष्टया 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।